खेले कूदे दौड़े सन नाचे कूदे झूमे सन खेले कूदे दौड़े सन नाचे कूदे झूमे सन CIET प्रस्तुत करता है उमंग 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 में आज सुनते हैं कार्यक्रम बाजी का बलिदान। बच्चों, तुम्हें पता ही होगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में देश के कोने कोने से लोगों ने भाग लिया और कुर्बानियां दी। सभी अंग्रेजी सरकार को देश से खदेड़ने का प्रयास कर रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कम उम्र के अनेक बच्चे भी देश के लिए अपने प्राण देने में पीछे नहीं रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऐसा ही एक बालक था बाजी राउत। बाजी राउत जिसने 13 वर्ष की आयु में ही अपने प्राणों को भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिया। ये घटना है उड़ीसा राज्य के जिला ढेंकनाल की। तारीख 10 अक्टूबर 1938। स्थान ब्राह्मणी नदी का तट। यात्रियों की प्रतीक्षा में नाव पर बैठे बाजी के पिता हरि राउत गीत गुनगुना रहे थे। ओ हो हो हो, होले होले पवन चले पवन संग पानी पानी है जीवन भैया जीवन है रवानी जीवन है रवानी। ओह क्या बात है, आज कोई नदी के उस पार जाने वाला ये नहीं आ रहा है। दोपहर ही ढलने को है और लगता है आज मेरी नाव नाराज है मुझसे। क्यों नाव रानी, काहे नाराज हो अपने हरिया से? बापू, ओ बापू। अरे लो ये बाजी अभी आ गया। हाँ बापू, आपको आपको अम्मा बुला रही हैं। खाना तैयार है, आप घर जाइए। अच्छा अच्छा भाई, चला तो जाऊं पर भजिया यहाँ ये नाव पे कौन रहेगा? मैं हूँ ना बापू, मैं सब संभाल लूंगा। अरे वो कोई उस पार जाने वाला आ गया तो? देख बेटा, तुझे परेशानी होगी। नहीं बापू, फो अब आप जाइए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे तू बड़ा सयाना हो गया है? अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जाता हूँ। अच्छा बापू जल्दी आना। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊंगा जल्दी आऊंगा जल्दी आऊंगा। ओले ओले पवन चले पवन संग पानी पानी है जीवन भैया जीवन है रवानी। हैं? ये क्या? तभी बाजी राउत ने देखा कि अंग्रेजी सरकार के कुछ भारतीय सिपाही उसकी ओर ही आ रहे हैं।
वो चौकन्ना हो गया। उसे बापू की बताई बातें याद आने लगी कि अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे देश को गुलाम बनाकर रखा है और गरीबों को किस तरह से ये अंग्रेज सिपाही सताते हैं। उसे ये भी पता था कि किस तरह साथ वाले गांव में अंग्रेजी सिपाहियों ने आतंक फैला रखा है। उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सिपाहियों को अपनी नाव पर पैर नहीं रखने देगा, सिपाहियों को साथ वाले गांव में नहीं जाने देगा। वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया। जब सिपाही उसकी नाव के पास पहुंचे तो ए लड़के, जल्दी से हमें नदी पार करवाओ। अरे तूने सुना नहीं, हमें नदी पार करना है। अरे बहराओ, जल्दी करो, जल्दी करो। अरे चलो खबरदार, मेरी नाव को हाथ भी ना लगाना। अच्छा सुना तुमने, मेरी नाव को हाथ भी ना लगाना। मैं तुम्हें नदी पार नहीं करवाऊंगा। क्यों क्यों? मैं जानता हूँ तुम लोग हम लोगों के दुश्मन हो। अरे? अंग्रेज अफसरों को खुश करने के लिए अपने ही देशवासियों को सताते हो। अरे क्या बोल रहा है ये? बड़ा उस्ताद बन रहा है, है? देखता हूँ क्या करता है तू। देखो देखो, दूर रहो मेरी नाव से, वरना 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 मैं इस चप्पू से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। अरे क्या कर रहा है ये? मैं जानता हूँ तुम लोग नदी पार भी किसी पर गोलियां चलाने जा रहे हो। अरे मैं तुम्हें नदी पार नहीं करने दूंगा। मैं अपने लोगों को यूं ही मरने नहीं दूंगा। ऐसे नहीं मानेगा तू। दे चप्पू, दे चप्पू, नहीं नहीं, दे चप्पू। जी तूने मुझे हाथ लगाया देशद्रोही, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे मार, अरे तो बचाओ, इसने मेरी कलाई में काट खाया है। देखो तुम लोग यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे मैं नदी में गिरा, बचाओ बचाओ। तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, मैं सबको मार दूंगा। चले जाओ यहाँ से। अरे ये तो पानी में डूब रहा है। अरे अरे तो बचाओ इसको, पकड़ो पकड़ो। अरे इसने हमारे साथी को पानी में डुबो दिया, मारो इसको। मैं अभी तेरा खुशमन निकालता हूँ। मेरी बंदूक, तुम्हारी बंदूक से मैं नहीं डरता। चलाओ गोली। अरे तेरे लिए तो इसकी मार ही बहुत है। तुम मुझे कितना भी मारो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सिपाहियों ने बाजी राउत को बंदूक के कुंदे से बड़ी निर्ममता से मारा, फिर भी वो अड़ा रहा और उसने किसी भी सिपाही को नाव पर नहीं चढ़ने दिया। इतने में शोरगुल सुनकर गांव वाले आ पहुंचे। अरे अरे उधर से गांव वाले आ रहे हैं। अरे कहीं हम पर हमला न करते। चलो भागो भागो यहाँ से। अरे भागे कैसे, ये लड़का तो। अरे बात सुनो, हवाई फायर करो, रोको इनको गांव वालों को। अरे छोड़ के, अरे छोड़, मैं तुम्हें मारो से खत्म कर दो तभी भाग पाएंगे। भागो ऐसे। अरे अरे वापस चलो, गांव वाले कहीं हम पर हमला ना कर दे। अरे भागो। क्या हुआ? अरे बड़ा वीर था ये, बड़ा बहादुर। अरे मेरे भाइयों को क्या हो गया? देश के लिए उसने जान दे दी मेरे भाइयों ने। और इस तरह नन्हे बाजी राउत ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन उन अत्याचारी अंग्रेजों के सिपाहियों को अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दिया। हथियारों के होते हुए भी सिपाहियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इस तरह 13 वर्ष की आयु में ही वीरता पूर्वक अपना बलिदान देकर बालक बाजी न केवल अपने गांव के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए महान प्रेरणा बना। और ये नन्हा शहीद सदा के लिए अमर हो गया।
बाजी का बलिदान। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉ. अमरेंद्र बेहरा, आलेख विजय शर्मा, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, VM बडोला, सतीश कक्कड़, राजेश आहूजा, सतीश महाजन और आशीष बख्शी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।